काम करने की शक्ति बहुत अधिक होती है और यही उनकी संपत्ति है। समूह में गरीब महिला बचत करती है और इस बचत से आपस में एक दूसरे की सहायता करती है। इस प्रकार से गरीब लोग श्रम शक्ति से भी आपस में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार इस समूह में सारे सदस्यों ने मिलकर सीता की सहायता करने के लिए पूरा एक दिन दिया। श्रमदान के माध्यम से सीता के घर की छत को ठीक कर रही हैं। समूह एक फूल के माले की तरह है। बचत इस माले में डोर की तरह है। एक दूसरे की सहायता करना, मानवता के बारे में सोचना इस फूल के माले की खुशबू की तरह है। अब सीता की आंखों में कितनी खुशी है। इस खुशी का कारण क्या है? इस खुशी का कारण है कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ समूह की सारी बहनें हैं। यही भावना सीता की खुशी का कारण है। सदस्यों ने सीता के बीमार पति को अस्पताल में भर्ती कराया। केवल यही नहीं बल्कि समूह के माध्यम से सीता को ऋण भी दिया। देखो, सीता के पति का हालचाल पूछने के लिए वो अस्पताल आ रही हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। टाइम से दवाई देना और खाना ठीक से खिला देना, ठीक है? आप तबीयत कैसी है? ठीक है। सीता, तुम्हारे बीमार पति के इलाज के लिए हम अपने समूह के इमरजेंसी फंड से 500 रुपए दे रहे हैं। इससे तुम अस्पताल की फीस बांध देना। चिंता करने की कोई बात नहीं, आगे भी कोई परेशानी हो तो अपना समूह तुम्हारे साथ रहेगा। समूह औरत के लिए मैके जैसा है, जो हर मुश्किल में उसका साथ देता है, उसकी सुरक्षा करता है। सीता, हम हमेशा तुम्हारे साथ है कहकर उसे भरोसा देता है। जैसे हर एक औरत को मैके की जरूरत है, ठीक वैसे ही हर गरीब को एक समूह की जरूरत है। आपका लोन सैंक्शन हो गया है, यह बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको कुछ पेपर साइन करने होंगे। अपने समूह की तरफ से तुम्हें यह 10,000 रुपया दिए जा रहे हैं। इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। वह सीता जो 100-200 रुपए उधार मांगने के लिए घर घर घूमती फिरती थी, लेकिन उसे उधार कोई नहीं देता था, उसी सीता को समूह के माध्यम से आज 10,000 रुपए का ऋण मिला है। समूह के माध्यम से गरीबों को ऋण और मूलधन आसानी से मिल जाता है। उधार पाकर सीता बहुत खुश है, उधार देकर सदस्य भी खुश है। ये है समूह का महत्व। समूह हमारा हितेशी है। Thank you.
अब सीता को काम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीता ने भैंस पालने का काम शुरू कर लिया है। अपना रोजगार, अपनी आमदनी, आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ। देखिए ना, अब सीता का जीवन कितना सुधर गया है। यह सब कैसे संभव हुआ? समूह के माध्यम से, सदस्यों की मानवता और एकता से। बहनों, क्या आप भी अपना जीवन सुधारना चाहते हो? क्या आप भी इस गरीबी से बाहर आना चाहते हो? तो फिर आइए, समूह से जुड़ जाइए। ममता से रहेंगे, गाड़ी के चक्र जैसे एक साथ चलेंगे, घर के परिवार जैसे ममता से रहेंगे, गाड़ी के चक्र जैसे एक साथ चलेंगे, गरीबों की एकता से मजबूती मिलेगी। साथ रहती है ये समूह, कष्टों में मुस्कान लाती है ये समूह, मुश्किल में साथ साथ रहती है ये समूह, कष्टों में मुस्कान लाती है ये समूह।